आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी जो हर किसी को पसंद आती है। बच्चे भी इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ एक प्लेट में चाउमीन ले लिया है, जिसे हम नूडल्स भी कहते हैं, ये देखिए। और इसे बॉयल करना है, तो बॉयल करने के लिए एक बड़ा बर्तन ले लें, उसमें हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे और इसे हम गैस पर रख के हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम नूडल्स डाल देंगे। तो ये देखिए काफ़ी लंबा है, तो ये ऐसे तो बॉयल नहीं होगा, तो इसे थोड़ा सा आप तोड़ भी सकते हैं, तोड़ करके इसे बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद इसका पानी हटा देना है और इसमें ठंडा पानी डाल देना है, मतलब नॉर्मल वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये चिपके नहीं। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होता है, इसमें हम 2 से 3 लहसुन को बारीक कट करके डाल देंगे। जैसे ही लहसुन हल्का सा भुन जाता है, इसमें प्याज कट करके डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसे पतला पतला कट कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया है, मिला दें इसे। अब इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे गाजर ले लिया है, पतला पतला इसे कट कर लिया है। अब इसे मिला करके थोड़ी देर के लिए हल्का सा भून लेंगे। हमें सब्जियों को पकाना बिल्कुल भी नहीं है, और इसे एक बार ऐसे ही चला लें और उसके बाद हल्का सा भून लें। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी डाल देंगे इसमें और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही सब्जियां हल्की सी भुन जाए, इसमें हम ऐड करेंगे नूडल्स। इसके साथ में ही 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, व्हाइट विनेगर का यूज़ किया है मैंने, साथ में ही 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, मिला देंगे इसे। इसमें पानी वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप चाहें तो इस तरीके से 2 करछी से इसे मिक्स कर दें, या फिर 1 करछी से भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि ये टूटे ना, इसलिए हम 2 करछी से इसे मिक्स करते हैं। तो मिक्स कर लेंगे, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, और इसे थोड़ी देर के लिए हल्का सा ऐसे ही चलाते रहेंगे। चलाते चलाते ही ये बिल्कुल बंद करके तैयार हो जाएगा। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ऊपर से इसे हम धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। धनिया पत्ता का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, और अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है तो भी आप धनिया पत्ता का यूज़ कर सकते हैं। बस गैस का फ्लेम तो बंद ही है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करिए। इसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है, एकदम ये जैसा आप ठेले पे खाते होंगे या रेस्टोरेंट में खाते होंगे वैसा ही टेस्ट आता है इसका। आप इस तरीके से बना करके देखें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।